नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दुनिया भर के सभी विद्वान एक बात पर सहमत होते हैं, जानते हैं वो क्या चीज है? जी हाँ, वो चीज है सोच। और सोच भी दो तरह की होती है, एक अच्छी सोच तो दूसरी बुरी सोच। अगर इसे ज्यादा इलैबोरेट करके बताएं तो हम इसे दो देशों की सोच के साथ देख सकते हैं। एक है भारत की सोच और दूसरी है पाकिस्तान की सोच। और एक प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरे प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। सबसे पहले हम भारत और प्रधानमंत्री मोदी की सोच की बात करेंगे। अभी हाल ही में एक हफ्ता गुजरा है जहां पर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई, जहां पर दुनिया भर के देश इकट्ठे हुए और दुनिया कैसे चले और दुनिया में अमन और चैन कैसे हो और दुनिया से गरीबी, भुखमरी और लोगों को इलाज कैसे मिले, इस पर चर्चा की गई। और दुनिया भर के शक्तिशाली और कमजोर और विकास कर रहे देशों के नेताओं ने अपने विचार रखे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने विचार खुलकर रखे, जिसकी दुनिया भर में खूब तारीफ हुई और लोगों ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सिर आंखों पर बैठाया। ये थी एक अच्छी सोच। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब महासभा में बोले तो परमाणु बम की धमकी देकर आए और कहा कि आप लोगों ने नहीं सोचा तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जियो और जीने दो का नारा देकर घर वापस आए, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान युद्ध, हत्या और मरने मारने की धमकी देकर घर आए। अब इसी कड़ी में एक तरफ दुनिया भर के देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत तो दूर, हाथ मिलाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं एक अच्छी सोच और एक बुरी सोच। अब आते हैं मुद्दे पर। महासभा में भारत ने क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों पर चिंता जाहिर की थी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने की बात कही थी और लग रहा है कि भारत की बात का असर दुनिया भर के नेताओं पर होने भी लगा है। तभी तो भारत के इस मिशन को लेकर उठाए जाने वाले कदमों की तारीफ अब अमेरिका में भी होने लगी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पीएम मोदी के जलवायु परिवर्तन पर जमकर तारीफ की है और प्रकृति को बचाने में किए जा रहे प्रयासों को सराहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर वॉशिंगटन में संबोधन के दौरान नैन्सी पेलोसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट चेंज के मसले पर महात्मा गांधी के मूल्यों को साकार किया है। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था तब उनकी जलवायु परिवर्तन पर बात हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे महात्मा गांधी और क्लाइमेट चेंज पर खुलकर बातचीत की थी, जिसमें वो सफाई के साथ साथ जल संरक्षण के मसलों को बारीकी से छूते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की सोच की तारीफ दुनिया के बड़े नेता क्यों कर रहे हैं। तो वहीं इमरान खान की तारीफ तो दूर की बात, लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि अच्छी सोच और बुरी सोच में क्या फर्क होता है। और हाँ, यहाँ पर एक बात बता दें कि नैन्सी अमेरिका में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, जिसमें उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। जयशंकर ने इस दौरान कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े मंचों पर शौचालय की बात की तो काफी आलोचना हुई, लेकिन महात्मा गांधी भी मानते थे कि सफाई काफी जरूरी है। अमेरिकी राजनीति में नैन्सी पेलोसी को राष्ट्रपति ट्रंप का कट्टर दुश्मन माना जाता है। ये वही नैन्सी पेलोसी हैं जिन्होंने ट्रंप की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मंजूरी भी दी। इसके अलावा ट्रंप के कई फैसलों पर नैन्सी पेलोसी अड़ंगा डालती रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का जादू भारत ही नहीं दुनिया भर के नेताओं पर भी सिर चढ़कर बोल रहा है। और लोग प्रधानमंत्री मोदी के सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और स्वच्छता पर काफी तारीफ कर रहे हैं।